जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दे दी गई। पुलिस दोनों पक्षों को पकड़कर थाने ले आई, जहां महिला ने अपने प्रेमी के साथ जाने की बात कही तो पति ने भी उसे अपने प्रेमी के साथ जाने की इजाजत दे दी। बताते चले कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चक्कर की मिलक की रहने वाली एक महिला का लगभग 3 माह से हरथला के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला के पहले पति से 3 बच्चे मौजूद हैं, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं हुई। प्रेम प्रसंग की जानकारी जब महिला के पति को लगी तो उसने पत्नी पर नजर रखना शुरू कर दिया। बताया गया कि बीती रात महिला ने प्रेमी को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया था। देर रात लगभग 2 बजे महिला का प्रेमी उससे मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच गया। जैसे ही प्रेमी महिला के कमरे में दाखिल हुआ तो वहां महिला का पति दोनों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए बैठा था और उसने पत्नी व प्रेमी को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस दोनों पक्षों को पकड़कर थाने ले आई। थाने में महिला ने प्रेमी के साथ जाने की बात पर अड़ गई, जिसके बाद पति ने भी पत्नी को छोड़ने का फैसला ले लिया। पत्नी 2 बच्चों को लेकर अपने प्रेमी के साथ चली गई और पति 1 बच्चे को लेकर अपने घर चला गया। अब्दुल रहमान जी, आप कहाँ खड़े हैं? थाना सिविल लाइन। किस मैटर में आना हुआ, क्या मामला ऐसा हुआ जो आप सिविल लाइन थाने में आ जाए? मेरी बीवी मतलब किसी के साथ में रंगे हाथ पकड़ी गई रात। किसके साथ पकड़ी गई, क्या नाम उसका? आबिद। कहाँ का निवासी है? हरदले का। कितने समय से ये मामला चल रहा है आपकी पत्नी का? क्या आज ही पहला मामला है, पहले से भी कभी कुछ ऐसा रहा है? लगभग 1 महीना रात को रोजाना ड्यूटी करता था देखने के लिए, रोज जगता था मैं। कितने बच्चे हैं आपकी पत्नी की, कितनी उम्र रही होगी उनकी? उनकी उम्र कम से कम 35 है। और उसकी लड़की? और जो लड़का पकड़ा गया साथ में, वो जिसको कहते हैं, उसकी उम्र कितनी होगी? उसकी भी लगभग इतनी है। अब आप क्या चाहते हो थाने सिविल लाइन में आगे? थाने सिविल लाइन में जो आदेश करेंगे वही मानने को तैयार हैं, और बाकी उसी को दे दो, मैं तो रखना है नहीं। आपकी तरफ से तहरीर क्या दी गई है? तहरीर यही दी गई है कि वो अपने दोनों मियां बीवी राजी, तो कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। मतलब आप रखना चाहते? हाँ, मैं ना रखना चाहता उसको। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई ठीक सही से कर रही है। क्या कार्रवाई कर रही है? अच्छा, कहा मौजूद है, बहन भी मौजूद है। आपको इस चीज से कोई ऐतराज तो नहीं? नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आपकी पत्नी को? उसको भी कोई ऐतराज नहीं है। तो आप हंसी खुशी जो वो 2 लड़की को लेकर जा रही है अपने साथ, एक लड़की छोड़ के जा रही है। कितने बच्चे हैं सर? 3। अच्छा, 2 वो लेकर जा रही है आपके पास? हाँ, आपकी मर्जी से। हाँ। सलमा जी, ये बताइए जो आपके पति ने आज आप पर जो आरोप लगाया है, ये क्या मामला है पूरा जो आज आप सिविल लाइन थाने आई हैं? तो उन्होंने मुझे देख लिया था उनके साथ में। कितने समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था आपका उस लड़की के साथ? लगभग 3 महीने। 3 महीने। किस समय उसको आप बुला दी थी, किस समय वो वहाँ से जाता था आपके पास से? रात के 1-2 बजे। अच्छा, तो आपके बीच में जो सराई संबंध वगैरह सब कुछ होते थे जी, अब आप क्या चाहती हो? उसके साथ में रहना चाहती हूँ। आपको अपने पति के साथ नहीं रहना? नहीं। आपकी जो कितनी बच्चे हैं आपकी? 3। वो बच्चे आपके साथ जा रही हैं या अपने पिता के साथ रहना चाहती हैं? एक पिता के साथ में रहेंगे, 2 मेरे साथ। किसी बच्चे को ले जाएंगे आप अपने पास? 2 को ले जाएंगे। आप अपनी मर्जी से जा रही हैं, कोई दबाव वबाव तो नहीं है किसी की तरफ से? नहीं। आप अपनी खुशी से जा रही हैं उसके साथ जी।